थैंक यू वेरी मच. आफ्टर लॉन्ग टर्म व्हाई यू वांट टू कम विद अ हॉरर मूवी? अब जब आना तो था तो डिसाइड कर लिया कि आ रहे हैं. तो मतलब आई पिक द हॉरर जॉनर बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग जॉनर. और मेरा ये मानना है कि लोगों को डरना बहुत अच्छा लगता है. और हमारे यहाँ जब हॉरर फिल्में बनती हैं वो डरावनी फिल्में नहीं बनती. और जब बाहर से फिल्में आती हैं और खूब डरावनी फिल्म बनती हैं तो लोग मतलब बहुत इन्जॉय करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में जाकर देखते हैं फिल्मों को. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ प्योर हॉरर फिल्म विदाउट डायल्यूटिंग. नो कॉमेडी, नो सॉन्ग्स, नो सेक्स, जस्ट अ हॉरर फिल्म. एंड सो दैट वॉज द रीज़न वी मेड दिस फिल्म. और मेरी पिछली 3 फिल्में जो 11 साल में मैंने की हैं, रंग दे बसंती, स्ट्राइकर और चश्मे बद्दू, अलग अलग जॉनर की फिल्में थी. और वो तीनों फिल्में मुझे ऑफ़र की गई थी, लेकिन ये फिल्म मुझे ऑफ़र नहीं की गई थी. ये मैंने खुद अपने लिए बनाई है. और सिर्फ अपने लिए नहीं, हॉरर के बहुत फैंस हैं जो ऐसी फिल्में देखना बहुत पसंद करते हैं. और मैं जब थिएटर में जाके इंग्लिश फिल्में देखता था और बाहर आते वक्त लोगों को बात करते हुए देखता था, वो लोग कहते थे कि हमारे यहाँ ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती. तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी फिल्म यहाँ बनी है. फिल्म का नाम है हाउस नेक्स्ट डोर और 3 नवंबर रिलीज़ हो रही है. और ये एक सचमुच डरावनी कहानी है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है. सो ज़रूर थिएटर में जाके देखिएगा. जैसे अभी आपने कहा कि अभी तक ऐसा बॉलीवुड में कोई हॉरर फिल्म नहीं बनी है, तो आपने जो अभी बनाई है, तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है उनमें क्या कमी है, डायरेक्टिंग में, एफेक्ट्स में क्या कमियाँ हैं? मैं कमियों की बात करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं बस ये कह सकता हूँ कि मेरी फिल्म की खूबी क्या है. और मेरी फिल्म की खूबी ये है कि मुझे एक डरावनी फिल्म बनानी थी और फिल्म डरावनी बनी है. और दूसरी बात ये कि टेक्निकली ये अगर आप यूट्यूब पे जाके ट्रेलर देखेंगे और कमेंट्स देखेंगे तो 10 में से 7 कमेंट ये बोलते हैं कि एक हॉलीवुड फिल्म जैसे दिख रही है. और वही 10 में से 7 कमेंट एक और ये बोलेंगे कि फाइनली इंडिया में एक स्कैरी हॉरर फिल्म बनी है. तो अगर एक ट्रेलर में इतना इम्पैक्ट करने की एक पोटेंशियल आपको दिखती है तो डेफिनेटली जब फिल्म देखेंगे तो 2 घंटे की फिल्म है. और इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग इट वॉज प्लान्ड एज अ वेरी स्कैरी फिल्म. एंड मैंने देखा है कि ऑडियंसेस जब थिएटर में बैठ के एक हॉरर फिल्म देखते हैं उन्हें बहुत मज़ा आता है और बार बार आके वही फिल्म बार बार देखते हैं क्योंकि उनको डरने में उतना मज़ा आता है. तो मिलिंद जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो और मैं करीबन 17 साल से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं और दोनों मणिरत्नम सर के स्टूडेंट्स हैं. तो व्हेन वी गॉट टुगेदर वी वॉन्ट टू मेक अ वेरी टेक्निकली हाई स्टैंडर्ड फिल्म. एंड वी आर वेरी प्राउड दैट टुडे वी हैव मेड अ फिल्म दैट जो भी फिल्मों की आप बात करते हैं जैसे कि कॉन्जरिंग या एनेबल, हम उन फिल्म मेकर्स को ये फिल्म दिखा सकते हैं. उस हद तक हमें इस फिल्म पर कॉन्फिडेंस है. एंड वी वॉन्टेड टू बी कम्पेयर टू फिल्म फ्रॉम अब्रॉड क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसेज ऐसे ही रहे हैं. बचपन से मैं इंटरनेशनल हॉरर फिल्म का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. और रही ट्रेड की बात और कमर्शियल, जो लोग ये कमर्शियल बोलते रहते हैं, मुझे वो वर्ड ज़्यादा समझ में नहीं आता. या तो फिल्म पैसा कमाती है या फिर पैसा नहीं कमाती. तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा जॉनर है. हॉरर एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे मायने नहीं रखता है कि हीरो कौन है, कितनी पब्लिसिटी की, कितने इंटरव्यू दे, मायने नहीं रखता है. पिक्चर अच्छी है तो चलेगी क्योंकि लाइक आई सेड, एक बार एक बंदा डर गया तो चीख चीख के बताएगा कि डर लग गया, तो बाकी लोग भी आके डरेंगे. सो दैट्स हाउ वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स. एंड बहुत साल से पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर अ हाई क्वालिटी फिल्म लाइक दिस. एंड राइट नाउ द ट्रेंड इज सब एवरीथिंग हैज़ टू बी ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला. तो कल अगर ये फिल्म हिट हो गई तो आप ही बोलेंगे कि आप आजकल हॉरर फिल्म्स क्यों नहीं बना रहे, वो तो बहुत कमर्शियल जॉनर है. तो दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. एक बार एक बात चल गई तो सबको वही मतलब वही मजहब मान के चले जाते हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद दिस फिल्म. दैट्स व्हाई वी मेड दिस फिल्म. तो आज बिकॉज वी आर पार्टनर्ड विद वायाकॉम 18, आई एक्सपेक्ट द फिल्म टू गेट अ रियली गुड रिलीज. एंड पीपल शुड कम विद हाई एक्सपेक्टेशंस कि जैसे कि आप कॉन्जरिंग या एनिमल जैसी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, आप उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ ये फिल्म जरूर देखेगा. ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी. देखिए मैंने जिंदगी में काफ़ी एग्जाम लिखे और मैं काफ़ी डिसेंट स्टूडेंट था, बहुत टॉप नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी बाजू वाले का पेपर नहीं देखा क्योंकि एक ही टाइम पे काफ़ी लोग डिस्टिंक्शन मार्क ले सकते हैं. और अगर किसी ने आपको ये बताया कि 3 फिल्में एक साथ नहीं चल सकती तो या तो वो झूठ बोल रहा है या उसको गलत फहमी. तो उस दिन आई थिंक मेरे साथ और 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, एक अक्षय खन्ना और सिद्धार्थ सोनाक्षी की फिल्म और दूसरी कल्की की फिल्म और तीसरी मेरी. और मैं समझता हूँ कि तीनों बहुत अच्छी फिल्में बनी होंगी. तीनों में से कोई ऐसा फिल्म नहीं होगा जिसमें किसी ने मेहनत ना की हो या किसी ने चल यार आज एवरेज फिल्म बनाते हैं बोल के किसी ने शुरुआत नहीं की होगी. तो बहुत मेहनत लगती है फिल्म बनाने में. तो आई थिंक ऑल 3 फिल्म्स विल बी गुड फिल्म्स एंड ऑल 3 फिल्म्स विल डू वेल. तो रिलीज डेट मिलना आज के दौर पे दुआ बन गया बिकॉज
कुछ लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि लोगों को कौन कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, और वो मतलब मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दोज पीपल, मुझे सिर्फ फिल्में बनाना आता है, और हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और नवंबर 3rd मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत डेट है, क्योंकि फिल्म बनाना जितना अच्छा और मज़ेदार चीज़ होती है, उससे ज़्यादा मज़ा फिल्म रिलीज़ करने में होता है। बिकॉज जब फिल्म ठीक से रिलीज़ नहीं होती है, तभी बहुत वो दूसरी किस्म का हॉरर बन जाता है। तो इस बार मुझे अच्छी रिलीज़ भी मिली है, और तारीख मतलब तारीख पे तारीख अच्छी तारीख। अगर मैं बिलीव नहीं करता तो मैं ये फिल्म को राइट नहीं कर पाता, क्योंकि इस फिल्म ये फिल्म देखिएगा ज़रूर, मेरी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने फिल्म में ही बताए, काफ़ी चीज़ें हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि डिवाइड आप जिस तरह भी करो 50-50 तो कभी डिवाइड हो नहीं सकता, ये कराटे चॉप तो नहीं है। तो जितना भी आप करोगे या तो 80% एक तरफ और 20% एक तरफ आएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि 11 साल में मैंने सिर्फ 4 फिल्में यहाँ पे की हैं, मैं वहाँ पे 25 फिल्में की हैं, तो दैट्स द वे वो वहीं पे टूटता है। तो इट्स यू हैव टू बैलेंस योर टाइम, एक बंदा एक ही टाइम पे दो जगह रह नहीं सकता। बट खास बात यह है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो जिसमें मैंने को राइटिंग का काम किया और को प्रोडक्शन का काम भी किया है, लेकिन इतना मज़ा आया कि मुझे मल्टीटास्किंग करने में ज़्यादा मेहनत नहीं दिखी। एंड इट्स ऑल्सो अ फिल्म वेयर मेरा बेस्ट फ्रेंड डायरेक्टर है, तो वो मोस्ट ऑफ द वर्क वही कर रहा था, तो उसको जो भी चाहिए था वो देना मेरा काम था एज अ प्रोड्यूसर, एंड आई थिंक वी हैव गिवन हिम दैट। लास्ट क्वेश्चन, एंड ऑल्सो अबाउट द साउथ फिल्म्स, आई थिंक अगले 10 साल में ये साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का ये झोल थोड़ा कम हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग क्रॉस ओवर करने की बात करते हैं, तो पहले इंडिया के अंदर क्रॉस ओवर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले दूसरी भाषाएं की फिल्म देखनी चाहिए, और आई थिंक जैसे कि टेक्नीशियंस एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, जर्नलिस्ट एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, वैसे ही एक्टर्स भी जाना शुरू कर देंगे। एंड आई थिंक इट ऑल बिकम वन पैन इंडियन सिनेमा, बिकॉज ऑडियंस डजंट केयर, ऑडियंस को अच्छी फिल्म देखनी है बस, और अच्छी फिल्में हर जगह बन रही हैं, और खास करके आई थिंक इन रीजनल फिल्म्स आल्सो देयर ब्यूटीफुल फिल्म्स बीइंग मेड। सो आई थिंक द डिस्टिंक्शन शुड बी द ऑडियंसेस चॉइस, नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर्स चॉइस। सबसे ज्यादा टफ जॉब आपके लिए क्या रही है, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग, राइटिंग और प्रमोशन इंटरव्यू? 100% प्रमोशन इंटरव्यूज, क्योंकि फिल्म मैं सिर्फ एक बार बनाता हूँ, लेकिन फिल्म के बारे में 2000 बार बात करता हूँ। सो आई थिंक डेफिनेटली फिल्म मेकिंग इज़ वेरी इजी, और मैं नेक्स्ट फिल्म में मैं सोच रहा हूँ कि मैं जर्नलिस्ट का काम कर दूँ, क्योंकि सवाल तो वही सवाल है और जवाब मैं मतलब मनोरंजन के लिए अपने लिए और जर्नलिस्ट के लिए बार बार मैं लफ्ज़ बदल के कुछ और अल्फाज ऐड कर लेता हूँ, लेकिन अगली फिल्म में मैं ही सवाल पूछूंगा और मैं ही जवाब दूंगा। ये 100% करूंगा जी, मैंने 30 फिल्में की हैं, और मैं साउथ में भी मेरा नाम है कि सिद्धार्थ प्रमोशन में बहुत दिलचस्पी दिखाता है, क्योंकि ये हमारा काम है, और लोगों के लिए, लोगों के पास फिल्म लेके जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और आप हमारे मेघदूत हो, आप लेके जा रहे हो मतलब पिक्चर को, तो आपको मैं कभी भी कम नहीं समझने दूंगा अपने आप को। मैं जर्नलिस्ट से बेहद प्यार करता हूँ, और पब्लिसिटी करना मेरा पेशा ही नहीं है, मेरा शौक भी है। सो इसलिए मैं देखिए जैसे कि पुलिस में सरेंडर हो रहा हूँ, इतने माइक पर बैठा के मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली हाँ, मैं हमेशा टाइम तो देते रहता हूँ, लेकिन प्रमोशन के लिए जितना भी टाइम दो उतना कम है, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी बनी है कि बात करना शुरू करें तो फिर रात रात बात चलती रहे। ये फिल्म मैंने 4.5 साल लगा दिए इस फिल्म को लिखने में मिलिंद के साथ, उसके बारे में मैं एक लाइन में 100% जवाब नहीं दे सकता हूँ। द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा। आपका क्वेश्चन, माई अपकमिंग फिल्म इज हाउस नेक्स्ट डोर, नवंबर 3 इट्स रिलीजिंग, इट इज़ अ हिंदी फिल्म दैट इज ऑल्सो रिलीजिंग इन तमिल एंड तेलुगू, बट प्राइमरली इट वॉज मेड एंड रिटन इन हिंदी। ये हिमाचल प्रदेश की कहानी है और वहाँ पे हिंदी बोला जाता है, तो डायलॉग्स भी मैंने ही लिखे हैं हिंदी में। तो आप ज़रूर नवंबर 3rd हिंदी फिल्म हाउस नेक्स्ट डोर आके देखेगा, बहुत डरावनी और ऐसी खौफनाक फिल्म आपने हिंदी पर्दे पर कभी नहीं देखी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।